और अब बात एलियंस की। हमारे की कांग्रेस में यूएफओ को लेकर अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में परग्रही यान उनकी मौजूदगी को लेकर कई बड़े दावे किए गए। आप रिपोर्ट को देखिए। हवा में उड़ते विमान के करीब से गुजरता कथित गोलाकार यान, क्या ये यूएफओ है? मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर घूमता कथित गोला, क्या ये कोई परग्रही यान है? इन सवालों की वजह है अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों की 13 नवंबर को हुई हाउस ओवरसाइट कमेटी की बैठक, जिसमें यूएफओ के अस्तित्व को लेकर अहम मीटिंग की गई। इस बैठक में परग्रही यान देखे जाने की कथित घटनाओं का विश्लेषण किया गया, दावों को परखा गया, अमेरिका के परग्रही प्रोग्राम के बारे में किए गए दावों को सबूतों की कसौटी पर कसा गया। इस मीटिंग में अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना यानी यूएफओ की मौजूदगी पर दिए गए साक्ष्यों को परखा गया। दावा किया गया है कि कुवैती कोस्ट पर परग्रही यान जैसी कोई चीज देखी गई है। इसके अलावा इस बैठक में एडवांस एलियन तकनीक और माइंड कंट्रोल कनेक्शन पर भी बातचीत की गई। बैठक में अमेरिकी मिलिट्री साइट्स पर यूएफओ के देखे जाने की कथित घटनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा मुद्दा करार दिया गया। Our best tool for unlocking the mystery of UAP is science. But we cannot conduct a proper inquiry if the stigma is so overwhelming that just daring to be part of a NASA research team elicits such a vitriolic response. Therefore, one of the most important actions that can be taken relative to exposing the truth of UAP is to combat the stigma. And this is where I believe that NASA can be eminently helpful. दरअसल इससे पहले भी अमेरिकी सरकार यूएफओ को लेकर कई तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुकी है, इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 1 मई 2023 से 1 जून 2024 तक परग्रही यान देखे जाने की घटनाओं पर पेंटागन की रिपोर्ट में पाया गया कि इस दौरान ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस को कुल 757 रिपोर्ट्स मिली। धरती के बाहर जीवन है या नहीं, ये लंबे वक्त से बहस का विषय रहा है। इसके साथ ही एलियन और परग्रही यान के धरती पर आने को लेकर भी कई दावे किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यूएफओ का मतलब अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसी चीज है जिनकी पहचान नहीं की जा सकती। आमतौर पर अमेरिका जैसे देशों में ये कॉन्सेप्ट खूब चर्चा में रहते हैं। कई ऐसी थ्योरीज हैं जिनमें ये कहा जाता है कि दूसरे ग्रहों से आने वाले जीव इन यूएफओ में ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। हालांकि ये थ्योरी अब तक सही साबित नहीं हो पाई है और न ही इसके कोई पुख्ता सबूत मिले। एलियन और परग्रही यान की जांच के लिए अमेरिकी सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। जून 2021 में इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई थी। 9 पन्नों की इस रिपोर्ट में अमेरिकी गवर्नमेंट सोर्स के जरिए 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओ, जिसे अमेरिका अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यानी कि यूएपी कहता है, देखे जाने का जिक्र है। नासा और यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने अब तक परग्रही यान को लेकर न तो पुष्टि की है और न ही इस बात को खारिज किया है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।